शावरमा सैंडविच बनाने के लिए हमने 100 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, छोटे छोटे पीसीस में लिया है। इसे हम मैरिनेट करेंगे, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और 2 टेबलस्पून भर के हमने यहाँ दही लिया है, इसे डालेंगे। 2 चम्मच हमने यहाँ विनेगर लिया है, इसे भी डालेंगे। आप विनेगर की जगह हाफ नींबू भी ले सकते हैं। और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह मिलाते हुए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए हमने एक पैन को गर्म पे चढ़ा दिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और इसमें हम डालेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा है, हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। चिकन से काफ़ी पानी रिलीज़ होता है तो हम हाई फ्लेम रखते हुए इसे ड्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम रखते हुए हमने चिकन का सारा पानी ड्राई कर लिया है और चिकन को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, चिकन बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है। तो हमने यहाँ 1/2 शिमला मिर्च को छोटे पीसीस कर लिए हैं जिसे हम इसमें डाल देंगे, और छोटा स्मॉल साइज़ का एक प्याज लिया था इसे भी हमने छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। 1 मिनट तक स्टर कर लेंगे इसे भी हम, और गैस की फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे। तो 1 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। शावरमा सैंडविच को प्रिपेयर करने के लिए हमने यहाँ एक पीटा ब्रेड ली है जिसमें हम स्प्रेड करेंगे रेड चिली सॉस, आप टोमेटो केचप या फिर पिज़्ज़ा सॉस भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से हम ये स्प्रेड कर देंगे। हमने चिकन को जो फ्राई करके रखा है इसे स्प्रेड करेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ अच्छी तरह से हमने चिकन को स्प्रेड कर दिया है। हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़, अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे, और इसके ऊपर डालेंगे हम टिक्का मेयोनीज और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे, और इसके ऊपर हम दूसरा पीटा ब्रेड रख देंगे, थोड़ा सा टोमेटो केचप स्प्रेड कर देंगे। अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे मोज़रेला चीज़, अच्छी तरह से डालेंगे, स्प्रेड कर देंगे। तो अच्छी तरह से हमने मोज़रेला चीज़ डाल दिया है, तो इसके ऊपर हम डालेंगे टिक्का मेयोनीज और इसके ऊपर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। तो इस तरह से हमारा शावरमा सैंडविच रेडी है। हम इसे बनाने वाले हैं कढ़ाई पर, आप इसे तवे पर, पैन पे या कढ़ाई पे बना सकते हैं। तो अच्छी तरह से बटर स्प्रेड कर देंगे और गैस की फ्लेम बिल्कुल हमने लो रखी है, और इसके ऊपर हम रखेंगे हमारा शावरमा सैंडविच। बहुत ही केयरफुली रखते हुए हम इसे कवर करेंगे 10 मिनट्स के लिए, और हम इसे 10 मिनट्स बाद चेक करेंगे। बहुत ही स्लो फ्लेम पर हमें इसे रखना है। तो 10 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे। हमारा शावरमा सैंडविच एक साइड से अच्छी तरह से कुक हो गया है, तो दूसरे साइड से भी इसे कुक करने के लिए हमने यहाँ एक प्लेट को अच्छी तरह से बटर से ग्रीस कर लिया है। हम इसे दूसरे साइड से फ्लिप करेंगे, तो बहुत ही केयरफुली हम इसे उठाएँगे और इस बर्तन पर रख के दूसरे साइड से फ्लिप कर देंगे इस तरह से, और इसे वापस से हम कढ़ाई पर छोड़ देंगे। अब हम इसे दूसरे साइड से 5 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे, और 5 मिनट्स बाद हम इसे चेक कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और बहुत ही केयरफुली इसे हम निकालेंगे एक बड़े बर्तन को रखते हुए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा शावरमा सैंडविच रेडी है। इस शावरमा सैंडविच को हम आपको काट कर चेक करके भी बताएंगे ये कितना टेस्टी बना है, कितना चीज़ी बना है। तो बहुत ही टेस्टी हमारा शावरमा सैंडविचेस बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चीज़ी बनता है ये। अगर आप चीज़ी सैंडविच खाने के शौकीन हैं तो आप इस सैंडविचेस को बनाकर ज़रूर इंजॉय करें। बच्चे और बड़े सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है ये। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो 1 टाइम सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी शावरमा सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी।